अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अर्न टू स्पेंड। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लोगों के साथ शेयर करूँगा कि अगर आप लोगों के यूट्यूब वीडियो पर किसी भी वजह से कोई कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो आप लोग जो है उसको कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये मेरे क्लाइंट का एक यूट्यूब चैनल है जिसकी एक वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है, जिसको मैं आप लोगों को इजीली रिमूव करना सिखाऊंगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें जिससे आप लोग जो है कुछ ना कुछ सीख सकें। तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल का स्टूडियो ओपन कर लेना है। आप लोग जो है इसको अपने मोबाइल फ़ोन पर भी कंप्लीट कर सकते हैं इस प्रोसेस को, और अपने पीसी या फिर लैपटॉप पर भी ईजिली इस प्रोसेस को कम्प्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने उस वीडियो को यहाँ पर आना है, जो भी जिस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया होगा आप लोगों ने सिंपली अगर तो पीसी या लैपटॉप से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने माउस का जो कर्सर है उसको यहाँ पर लाना है कॉपीराइट क्लेम पर। तो ये एक पॉपअप मैसेज ओपन हो जाएगा। अगर आप लोग जो मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली कॉपीराइट क्लेम को क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस तरह से एक मैसेज मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सी डिटेल्स का एक ऑप्शन नज़र आएगा, आप लोगों ने सिंपली इस डिटेल्स को क्लिक कर देना है। और इस पर आप लोगों को आगे जो भी डिटेल है कि कॉपीराइट कितने टाइम पर आया है, और आप लोगों को आगे सारे स्टेप्स YouTube खुद ही बता देगा कि आप लोग जो है इस कॉपीराइट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो है एक तो ये कॉपीराइट क्लेम जो आया है इस पर कोई जो है नॉट अफेक्टेड, यानी कि कोई भी कंटेंट आईडी क्लेम नहीं आया, जिससे अगर ये कंटेंट आईडी क्लेम आया होता तो चैनल पर जो है इससे कुछ बुरा असर पड़ सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये कोई बुरा असर नहीं पड़ा। अगर इसको रिमूव ना भी करें तो कोई नहीं है, लेकिन अगर इसको जल्दी रिमूव कर दिया जाए तो इससे जो है आप लोगों का चैनल ज़्यादा सेफ रहता है, और आप लोगों के जो चैनल की रीच होती है वो कम नहीं होती, यानी कि आप लोगों के जो चैनल के इम्प्रेशन होते हैं वो कम नहीं होते। तो सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सेलेक्ट एक्शन को क्लिक करना है। और यहाँ पर जो है ऑडियो पर ये कॉपीराइट क्लेम आया है तो यह दो ऑप्शन दे रहा है कि रिप्लेस सॉन्ग, यानी कि आप लोग जो है ऑडियो जो है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर म्यूट सॉन्ग, या फिर आप लोग जो है ऑडियो को बिल्कुल ही बंद कर सकते हैं ताकि कोई आवाज़ ही ना आए ऑडियो की। और यहाँ पे जो है मैं सिंपली यहाँ पर म्यूट सॉन्ग को कर दूंगा, और म्यूट सॉन्ग करने के बाद आप लोगों ने जो है कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे टाइम शो हो रहा होगा कि जितने टाइम के लिए आप लोगों की जो वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आया है आप लोग जो है उस हिसाब से अपना टाइम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 मिनट और 20 सेकेंड तक का कॉपीराइट क्लेम था शायद, तो मैंने पूरा ही कर दिया 2 मिनट और 25 सेकेंड का। और यहाँ पर इसको मैं इजीली कंटिन्यू के बटन को क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू को क्लिक करने के बाद यहाँ पर म्यूट ऑल साउंड व्हेन सॉन्ग प्लेज, तो ये जो है इसको सिंपली यहाँ पर मैंने म्यूट कर दिया। और उसके बाद आप लोगों के सामने जो है कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, म्यूट सॉन्ग इज़ इन प्रोग्रेस, तो जो वीडियो है यह कुछ प्रोग्रेस में चली जाती है, और कुछ ही देर के बाद आप लोगों का यहाँ पर जो है कॉपीराइट क्लेम रिमूव हो जाता है, जिसको आप लोग जो है बाद में ईजिली चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया कि कैसे आप लोग जो है अपनी किसी भी YouTube वीडियो से कॉपीराइट क्लेम को इजीली रिमूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।